आपने कभी बहती नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी ही तेजी के साथ अपने ऊर्जन पॉइंट से बहना शुरू कर देती है। शुरुआत में ही उसको अपनी मंजिल सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। कुछ जगह उसकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है, लेकिन वो रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए लगातार बढ़ती रहती है, और कैसे भी हो अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रहती है। सोचो अगर वह बीच में बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। अगर सफल होने के लिए आप लक्ष्य तय करते हो तो उस तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यदि कहीं रुके तो आपकी असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। यदि आसान काम होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फुलाए खड़ी रहती है, और कुछ बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है, और हम में से कुछ व्यक्ति इन बाधाओं के सामने झुक जाते हैं और अपनी असफलता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग परेशानियों का सामना अपना सीना तानकर करते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने की स्पीड में भले ही कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है, और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसीलिए क्योंकि दुनिया के किसी भी जीव का जीवन बिना हवा के संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह है, सभी चलते रहते हैं, लेकिन रुकते कभी नहीं है। प्रकृति का यही नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना और नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हो तो आज से ही कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही कहा है कि उठो, जागो और जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सोचो कि कुछ लोग अपना लक्ष्य सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं कि बहुत चलना पड़ेगा। इससे बड़ी असफलता कोई नहीं है। सफलता और असफलता तो बाद की बात है, लेकिन खुद को बिना प्रयास किए ही असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। किस लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते हैं कि चलते रहना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते रहते हैं, आपकी आंखें हमेशा देखती रहती है, केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर बिना रुके बढ़ते रहे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।